राजनीति में दोस्ती की जोड़ियां बहुत कम देखने को मिलती हैं, मिलती हैं तो थोड़े समय के लिए, लंबे समय तक दोस्ती चले, साथ साथ चले, कंधे से कंधा मिलाकर चले, ये उदाहरण तो बहुत ही कम है। मैं किस उदाहरण की बात कर रहा हूँ और एक ऐसी दोस्ती आज भी देखने को मिलती है वो आप समझ गए होंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, वो पिछले 8 सालों से ज़्यादा समय से इस पद पर बने हुए हैं। वहीं उनके जिगरी दोस्त और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं। दोनों न सिर्फ एक दूसरे के सहयोगी हैं बल्कि बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गठजोड़ फेविकोल के जोड़ की तरह माना जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि दोनों एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज से ही समझ जाते हैं कि आगे क्या करना है और आगे की रणनीति क्या हो सकती है। इस जोड़ी को गुरु चेला, दोस्त राजदार, भरोसेमंद की तरह भी देखा जाता है, बहुत नाम दिए जाते हैं। अमित शाह और मोदी की दोस्ती कई वर्षों पुरानी है और उससे अधिक महत्वपूर्ण है उनके बीच की गहरी दोस्ती, जो भरोसे और ईंट से भी ज़्यादा मजबूत दीवार जैसी है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन दोनों की दोस्ती कैसे और कब हुई थी, और फिर ये मुलाकात कैसे दोस्ती में बदली, और फिर कैसे ये दोनों जय और वीरू की जोड़ी बन गए? दोनों पिछले करीब 40 सालों से एक दूसरे के साथ हैं। तो आइए आज हम आपको अपनी इस पॉलिटिकल स्टोरी में बताते हैं कि कब, कैसे और कहां हुई थी दोनों की पहली मुलाकात। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र और अमिताभ के बाद अब देश में इन जय और वीरू की जोड़ी को देखा जाता है, या इन्हें जय और वीरू की जोड़ी कहा जाता है। इन दोनों धुरंधरों की दोस्ती की कहानी, जिनका नाम आज हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे या बुजुर्गों तक की जुबान पर है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, आज की भारतीय राजनीति के दो सबसे बड़े और चर्चित चेहरों में से एक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर आज ऐसे पड़ाव पर है जहां हर राजनेता का सपना होता है कि वो यहां पर पहुंचे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने भारतीय राजनीति में कीर्तिमान स्थापित किया है जिसकी कल्पना राजनीतिक पंडितों ने भी नहीं की थी। नरेंद्र मोदी उम्र में अमित शाह से करीब 14 साल बड़े हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात के वडनगर में हुआ तो वहीं अमित शाह का जन्म मुंबई में एक गुजराती जैन परिवार में हुआ था। करीब 1.5 दशक के अंतराल पर अलग अलग राज्य में पैदा होने वाले असमान आर्थिक पृष्ठभूमि के इन दो अलग अलग लोगों को एक साथ लाने का श्रेय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जाता है। दिल्ली की राजनीति से पहले करीब दो दशक तक गुजरात प्रदेश की राजनीति में साथ साथ चले नरेंद्र मोदी और अमित शाह की दोस्ती की शुरुआत 80 के दशक में हुई थी। मोदी और अमित शाह की पहली मुलाकात पहली बार 1982 में संघ की शाखा में हुई थी। उस वक्त अमित शाह सिर्फ 17 साल के थे और आरएसएस की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे और नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक के रूप में काम कर रहे थे। ये दोनों नेताओं की औपचारिक मुलाकात थी और ये औपचारिक मुलाकात जल्द ही गहरी दोस्ती में तब्दील हो गई। दोनों एक ही विचारधारा से जुड़े, वो थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा। इस विचारधारा में नरेंद्र मोदी प्रचारक की तरह जुड़े और अमित शाह स्वयं सेवक की तरह। ऐसे में आरएसएस की शाखाओं समेत अन्य कार्यक्रमों में इनकी मुलाकात होने लगी और यहीं से नरेंद्र मोदी के विचारों से अमित शाह जुड़ने लगे। अमित शाह की सोच भी नरेंद्र मोदी को प्रभावित करने लगी। हर बीतते साल के साथ दोनों की दोस्ती भी गाढ़ी होती गई। 1986 में नरेंद्र मोदी ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और भाजपा ने उन्हें गुजरात बीजेपी में संगठन महामंत्री पद पर तैनात किया। संगठन महामंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी को ऐसे युवाओं की जरूरत थी जो बूथ मैनेजमेंट से लेकर रणनीति बनाने में उनका सहयोग करें। तो उन्होंने इस सब को लेकर अमित शाह को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी। फिर दोनों ने मिलकर गुजरात में भाजपा संगठन को मजबूत करने का काम किया। ऐसे में इनकी दोस्ती भी मजबूत होने लगी और साथ ही नरेंद्र मोदी ने गुजरात भाजपा में केशुभाई पटेल और शंकर सिंह बाघेला जैसे नेताओं की तरह अपनी पहचान बना दी, या अपनी पहचान को बड़ा कर लिया। इसके बाद दोनों की जोड़ी का ही करिश्मा था कि उनके नेतृत्व कुशलता के बदौलत पहली बार भाजपा को गुजरात की विधानसभा में जीत मिली। मुख्यमंत्री भले ही तब केशुभाई पटेल बनाए गए, जिन्हें पार्टी ने बाद में नरेंद्र मोदी से रिप्लेस कर दिया था। नरेंद्र मोदी जब अपने जीवन का पहला चुनाव लड़े तब अमित शाह ही उनके चुनाव प्रभारी रहे। साल 2002, 2007 और 2012 में हुए चुनाव में अमित शाह नरेंद्र मोदी के राइट हैंड की तरह रहे। मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद अमित शाह गुजरात के गृहमंत्री बनाए गए, जैसा कि केंद्र में प्रधानमंत्री बनने के बाद अब अमित शाह गृहमंत्री बनाए गए हैं। साल 2012 में जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव जीता तो उन्होंने अमित शाह को मंत्री बनाने के साथ 17 मंत्रालयों का कार्यभार सौंपा था। साल 2014 में लोकसभा चुनाव से पूर्व दोनों नेता गुजरात से निकलकर दिल्ली पहुंचे। 2014 में पीएम बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार अमित शाह ही रहे और अब तक हैं।
वक्त का पहिया तेजी से फिर बदला। नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं। 2014 में अमित शाह को भाजपा की कमान सौंपी गई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए गए। गुजरात में 15 वर्षों तक सफल शासन का ही नतीजा था कि मोदी और शाह को भाजपा में शीर्ष जिम्मेदारी दी गई। दोनों की जोड़ी ने लगातार 15 वर्ष तक गुजरात में भाजपा की सत्ता के सूत्रधार ही नहीं सर्वे सर्वा की तरह काम किया और बहुत ही सफलतापूर्वक काम किया। यहाँ पर बीजेपी को नई ताकत और नई ऊंचाइयाँ मिली। ये दोस्ती साफगोई, ईमानदारी, भरोसे और एक दूसरे के प्रति सम्मान पर टिकी हुई है, आज भी कायम है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से लेकर दिल्ली के राजनीतिक सफर में हमेशा लाइमलाइट में रहे, लेकिन अमित शाह चुपचाप संगठन में रहकर पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। कहते हैं कि दोनों के बीच भरोसे का ऐसा संतुलन है कि अगर अमित शाह किसी भी चीज में हाँ बोल देते हैं तो नरेंद्र भाई कभी उसके लिए ना नहीं बोलते हैं। मोदी और शाह को करीब से जानने वाले कहते हैं कि दोनों नेताओं के बीच कभी एक दूसरे के हितों का टकराव नहीं हुआ। ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि दोनों नेताओं को अपने कार्यक्षेत्र और उसके दायरे को लेकर कभी भी तकरार नहीं हुई या कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ। अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों अपनी खूबियों को तवज्जो देते हुए आगे बढ़े और एक दूसरे की खामियों की तिलांजलि देकर राजनीति के लंबे सफर को तय करने में कामयाब हुए। दोनों के बीच कभी सत्ता, माया और हितों का टकराव इसलिए पैदा नहीं हुआ क्योंकि दोनों को अपना कार्यक्षेत्र और कार्यक्षमता दोनों पर गलतफहमी कभी नहीं हुई। ये हुनर तब इंसान में जन्म लेता है जब वो समझ जाता है कि अकेला कोई भी स्वयंभू नहीं हो सकता है। इसके लिए दोनों को संघ की ओर से मिली दीक्षा का भी योगदान है और एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आपका ये काम है, मेरा ये काम है, मैं इसमें खूबी रखता हूँ, आप इसमें खूबी रखते हैं। गुजरात से शुरू हुई दोनों नेताओं की राजनीतिक यात्रा को दिल्ली पहुंचे अब करीब 33 से 34 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक एक भी वाकया नहीं आया है सामने जब मीडिया मोदी और शाह के बीच दोस्ती सतह पर आ गई हो, ऐसी कोई बात कहता दिखाई दे। मीडिया को अमित शाह और नरेंद्र मोदी की दोस्ती में दरार टाइप का प्रोग्राम या ब्रेकिंग न्यूज़ चलाने का कोई मौका नहीं मिला। कहा जाता है मोदी और शाह दोनों अपने अपने कार्य को लेकर बेहद प्रोफेशनल अप्रोच रखते हैं और दोनों कभी भी एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करते हैं। एक दूसरे की क्षमता और योग्यता का एहसास ही वो कड़ी है जो दोनों के बीच कभी हितों का टकराव जैसी स्थिति प्रकट नहीं होने देती है, पैदा नहीं होने देती है। जहाँ मोदी बोलते हैं वहाँ अमित शाह मौन रहते हैं, जहाँ अमित शाह बोल रहे होते हैं वहाँ मोदी को मौन रहते हुए आपने देखा होगा, वो भी तब जब वो देश के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री के पद पर आसीन है। राजनीतिक गलियारों में दोनों नेताओं की दोस्ती के चर्चे खूब होते हैं। दोनों की जोड़ी मौजूदा भारतीय राजनीति की सबसे चर्चित, ताकतवर और सफल जोड़ी मानी जाती है। देश की राजनीति को मोदी और अमित शाह ने बेहद करीब से देखा है। वहीं मोदी सरकार दूसरी बार 2019 में जब बहुमत के साथ केंद्र में आई तो अमित शाह को केंद्रीय गृह मंत्री का पदभार सौंपा गया। बतौर गृह मंत्री अमित शाह ने जो अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है वो है जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना। उनके हर बड़े फैसले में प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ दिखाई पड़ते हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में भी जो बड़े फैसले होंगे इन दोनों का समीकरण, इन दोनों का सामंजस्य उन फैसलों में देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के बड़े निर्णयों के अलावा भारतीय जनता पार्टी को भी इस जोड़ी ने नई ऊंचाइयां दी। एक बात तो साबित होती है, एक से भले दो, एक और एक 11, ऐसी बहुत सी कहावतें हैं, इनको चरितार्थ होता हम देखते हैं इस जोड़ी के जरिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।